दोस्तों, आजकल तो आप सभी बिग बॉस का जो सीजन है उसे देख ही रहे होंगे। और बिग बॉस का शो हर लोगों के लिए पसंदीदा शो है, क्योंकि बिग बॉस के शो में ड्रामा, कॉमेडी, लड़ाई और काफ़ी सारे गेम देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं और हमारे मन को ललचाते भी हैं। इस तरह से बिग बॉस शो हर लोगों का काफ़ी पसंदीदा शो माना जाता है। लेकिन बिग बॉस शो जितना पसंदीदा है और जितना रोमांचक है, उससे कहीं ज़्यादा फैक्ट से भरा हुआ भी है, क्योंकि बिग बॉस शो देखने के बाद हमारे मन में काफ़ी सारे ऐसे सवाल उठने लगते हैं जिसका जवाब ना होता है। और इन्हीं सवालों में से कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि बिग बॉस में जो आवाज़ें आती है, यानी कि जो बिग बॉस का आवाज़ आता है, वो बिग बॉस का आवाज़ मशीन का होता है या फिर वो आवाज़ किसी आदमी का है, लेकिन वो आदमी अपना चेहरा कभी क्यों नहीं दिखाता, और आखिरकार वो आदमी कौन है। तो चलिए, आज हम इन्हीं सब सवालों को देखते हुए एक वीडियो निकाल कर आए हैं, और शायद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ये जो डाउट है ये क्लियर ही हो जाने वाला है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आप एक इंटरव्यू उसके जरिए समझिए। इनको सब जानते हैं, एक नरेटर्स वॉइस जो दर्शकों से बात करती है, आवाज़ जो बताती है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या समय हो रहा है, कौन सा टास्क में क्या परफॉर्म चल रहा है, या आगे देखिए, वो मेरी आवाज़। छोटा सा क्लिप देखा, ये है विजय विक्रम सिंह जी का। और विजय विक्रम सिंह जी के बारे में आप लोगों ने कभी कभी सुना ही होगा कि विजय विक्रम सिंह जी भी बिग बॉस में आवाज़ें निकालते हैं, और इन्होंने साफ साफ बताया है कि बिग बॉस में दो आदमी होते हैं, यानी कि दो लोगों का आवाज़ आता है। इनमें विजय विक्रम सिंह जी का आवाज़ वो है जिसमें टाइम बताता है, किसी टास्क के बारे में बताना या फिर कोई चेतावनी देना, ये विजय विक्रम सिंह जी का आवाज़ होता है। लेकिन 25वां दिन सुबह 8 बजे। लेकिन बिग बॉस में जो मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिनमें मेन आवाज़ होता है, वो है अतुल कपूर जी का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया में अतुल कपूर जी का आवाज तो सुना ही होगा। In this lockdown situation, I'm doing something very interesting. Right now, I'm recording a book from home. जो कि एकदम डिट्टो बिग बॉस के आवाज के जैसे ही मिलता जुलता होता है, और इनके आवाज को सुनकर लोग यह भी कहने लगते हैं कि अतुल कपूर जी ही बिग बॉस के मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो मुझे भी लगता है कि बिग बॉस के मेन कैरेक्टर प्ले करने वाले अतुल कपूर जी हैं, और सेकंड नंबर में हैं विजय विक्रम जी। विजय विक्रम सिंह जी के इंटरव्यू को देखने के बाद मेरा तो एकदम जवाब क्लियर हो गया है कि इनमें दो आवाज़ें आती हैं, जिनमें विजय विक्रम जी तब आवाज़ देते हैं जब किसी टाइम को बताना हो या फिर कोई चेतावनी देनी हो। तो इसमें भी एक और सवाल हमारे मन में आने लगता है कि क्या ये लोग एकदम लाइव शो में एनी टाइम आवाज़ें ही देते रहते हैं, या फिर इनका कुछ अलग होता है। तो आप लोगों को ये तो ज़रूर पता होगा कि बिग बॉस का जो शो आज चल रहा है वो हमें कल देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शो आज शूटिंग हो गया है उस शो को एडिट किया जाता है। जब ये एडिट का प्रक्रिया चलता रहता है तो इसमें जहाँ जहाँ पे विजय विक्रम सिंह जी को जो जो चीज़ बोलनी है उन्हें लिख कर दे दिया जाता है, और एडिटिंग के समय वो बीच बीच में बोल दिया करते हैं। लेकिन इसमें जो मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं वो है अतुल कपूर जी। ये एकदम लाइव शो पर बने रहते हैं, और इन्हें बीच बीच में क्या करना है, क्या देखना है, ये शो को एनी टाइम देखते ही रहते हैं। तब जाके इन्हें कुछ पता चलता है कि इनमें क्या होने वाला है और क्या नहीं। और बिग बॉस को चलाने के लिए हर वक्त एक होस्ट भी चुना जाता है, जैसे कि अभी का जो सीज़न चल रहा है बिग बॉस OTT 3 सीज़न, और ये हर साल चलते ही रहता है। तो इसमें जो होस्टिंग के काम कर रहे हैं वो है अनिल कपूर जी, और पिछले साल थे सलमान खान। तो इस तरह से होस्ट भी चेंज होते ही रहते हैं, लेकिन बिग बॉस का आवाज़ कभी चेंज नहीं होता। तो बिग बॉस से जुड़े क्या आपके मन में और भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इसी तरह के और भी रैंडमली वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।